एक टॉपिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। टॉपिक कहूँ इसको, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आती। चारसद्दा में, हमारे पाकिस्तान चारसद्दा में, 2.5 साल की बच्ची, 2.5 2.5 साल की बच्ची से रेप किया गया है और उसे इस तरीके से मारा गया है रेप करने के बाद, सबूत ख़त्म करने के लिए, कि ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। हम इंसान हैं, हम तो इंसान से भी गिरे हुए लोग हैं, इंसान ऐसा करता है। इमरान खान, ये झोली पकड़ के आपको कह रहा हूँ, नहीं चाहिए आटा, नहीं चाहिए पेट्रोल, न बनाओ इस मुल्क को यूरोप। ये जो दरिंदे हैं ना, इनको नंगा करके बीच में से पाड़ दो। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि एक छोटी सी मेरी भी बच्ची है। खुदा की कसम, जब उसको देखता हूँ और उसे तकलीफ होती है, तो उस माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी जिनके साथ ये वाकया हुआ। लेकिन हम बहुत बड़ी कौम है जी, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, ऐसे भूल जाएंगे जैसे हम और वाकये भूल गए। शर्म हमें आती नहीं। और एक और बात, और वही कर रही है हमारी पुलिस जो हर तरह की करती है। खुदा की कसम, इस पुलिस को ख़त्म कर दो तो जराइम भी इस मुल्क से ख़त्म हो जाएंगे। और जालिमों, कभी किसी गरीब का भी तो साथ दो। बस यही एंड में कहूँगा, हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है जी, हम कुछ भी और नहीं आप कर सकते। आप ज़ैनब वाला वाकया देख लें। ज़ैनब वाले वाकये में क्या हुआ, शायद शायद हम भूल गए होंगे, लेकिन चले फिर भी अपन जहन को ज़रा ज़ोर दें तो ज़ैनब वाले वाकये में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया। अच्छा, ऐसे अनगिनत वाकयात हैं इस मुल्क में। चलें आप मोटरवे वाला वाकया देख लो, उसमें पुलिस ने क्या किया। मेरी चले गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अब तो ख़त्म करें। चलो कोई एक वाकया हो तो चले बंदा कहें, ये तो हर आए दिन की रूटीन है हमारे मुल्क में। यहाँ पर भेड़िए घूम रहे हैं बाजारों में, भेड़िए, तो हमने अपने फूलों को बचाना है इनसे। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम एक दो को लटकाएं, लटकाने से भी कुछ नहीं होता। आप यकीन माने, आप एक दो को चौक में बीच में से फाड़ें, खुदा की कसम अगर इस पाकिस्तान में ये दोबारा हो गया तो आप मेरा नाम बदल लो। थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर बोलने से क्या होगा, मैंने भी यूट्यूब बना दी, मैंने भी एक रिएक्शन दे दिया, मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, बड़े बड़े न्यूज़ एंकरों ने भी जी इस पर एक वीडियो बना ली होगी, सबके पास लाइक भी आ गए होंगे, व्यूज भी आ गए होंगे, इससे कुछ नहीं होता। बस कुछ टॉपिक बचा ही नहीं, क्योंकि अब इस बारे में क्या बात करें। रोजाना हम इसी चीज पे बात करते हैं, हम इन्हीं चीजों पे बोलते हैं। हमारे घर में बड़ी छोटे छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल भी जाती हैं, जो मदरसे भी जाती हैं, अब क्या किया जाए, आप लोग बताएं। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हमारे गरीब लोग, वो बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाएं, के पुलिस की बेइज्जतियां सुने, धक्के खाएं, के जाके अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, क्या करें आप बताओ। आप घर में खाना दो, रोटी दो, तो चलो हम अपनी बच्चियों के आगे पीछे घूमेंगे, उनको कहीं नहीं जाने देंगे। रिक्वेस्ट है इसी बात से एक बार फिर, मैं बस काफी, मतलब मैं, मुझे इतना गुस्सा भी है, अफसोस भी है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, वहाँ ही रहा हूँ, ये चारसदा मेरे इलाके से बहुत करीब है। बस इसमें मैं अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम जी।